सेकंड सेकंड लिखिए धारवाड़ क्रम की चट्टाने, सेकंड लिखिए धारवाड़ क्रम की चट्टाने। लिख लिया। सबसे पहले लिखिए यह आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी है, यह आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी है। सबसे पहले तो हमें यह लिखना है, इसका मतलब यह है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के ही टूट फूट से बनी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर हो गया था? ये है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी है। लिख लिया सभी ने? देखो इतना याद रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो बनी है किससे बनी है, वो आर्कियन क्रम की चट्टानों की टूट फूट से ही बनी है, कह सकते हैं अपक्षय अपरदन और निक्षेपण से बनी है, ठीक है। उसके बाद इन सभी चट्टानों में जितनी भी ये चट्टाने हैं, इन सभी चट्टानों में जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि भारत के चार भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सबसे अधिक खनिज किस क्षेत्र में पाया जा रहा था, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब यहां से भी ये है कि इन छह की छह चट्टानों में सबसे अधिक खनिज कहां से पाया जा रहा, तो लिखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों से खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिख लिया? इन सभी में सबसे अगर अधिक खनिज मिल रहा है तो धारवाड़ की चट्टानों से मिल रहा है। क्लियर? मतलब कि धारवाड़ की ही चट्टानों से सबसे अधिक खनिज की प्राप्ति हो रही है। तो नेक्स्ट हमें जो लिखना है, धारवाड़ कर्नाटक का जिला है, यहाँ पर सबसे पहले धारवाड़ चट्टान को देखा गया, इसीलिए क्या है इसका नाम धारवाड़ पड़ा। धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है, धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है, ये है यहाँ पर धारवाड़। अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं देखो पॉइंट्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये धारवाड़ है। धारवाड़ कर्नाटक का जिला है जहां पर सबसे पहले धारवाड़ चट्टान को देखा गया। धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है जहां पर सबसे पहले धारवाड़ चट्टान को देखा गया। लिख लिया? धारवाड़ कर्नाटक का जिला है जहां पर सबसे पहले धारवाड़ चट्टान को देखा गया। हालांकि इसके अलावा बेलारी और सिमोगा में भी धारवाड़ चट्टान को देखा गया। ये भी कर्नाटक के ही जिले हैं, वहां पर भी बेलारी और शिमोगा में भी धारवाड़ चट्टान को देखा गया। लिख लिया सभी ने? अगर हम इनके प्राप्ति स्थल की बात करें, देखो धारवाड़ से संबंधित, हाँ
नहीं, धारवाड़ कर्नाटक का है, यहाँ पर धारवाड़ लिखा, ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक में है, ना कि राजस्थान में, ये है सामने है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब प्राप्ति स्थल की बात करें हम, कहाँ से मुख्य रूप से धार, देखो धारवाड़, अभी मैंने बताया कि धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं इंडिया में, अगर सबसे अधिक खनिज की प्राप्ति हो रही है तो किस चट्टान से हो रही है, धारवाड़। दिमाग में एकदम बैठा लेनी है, बहुत बेहतर तरीके से बैठा लेनी, जो कभी ना भूलना, ठीक है। उसके बाद प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, एक तो अरावली श्रेणियां, अब अरावली श्रेणियां तो काफी लंबी फैली हुई है, अरावली श्रेणियां गुजरात में भी है, राजस्थान में भी फैली हुई है, मध्य प्रदेश में भी कुछ भाग, उसका उत्तर प्रदेश में, बिहार तक फैली हुई है इस तरीके से। तो एक तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो जो देखने को मिलती हैं अरावली श्रेणियों में देखने को मिलती हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट रीवा, ठीक है, समझिए मध्य प्रदेश के बालाघाट रीवा, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, ध्यान दीजिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड। उसके अलावा कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये ऊपर की साइड चली जाती है, जैसे कि जास्कर श्रेणी, कुमाऊ, काराकोरम, मतलब कि यहाँ पर चली जाती है जास्कर, कुमाऊ, जो ये उत्तराखंड वाला इलाका है ना, कुमाऊ उत्तराखंड वाला इलाका, जास्कर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, इस साइड के कुछ इलाकों में धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इतना लिखिए केवल कि इसके अलावा अरावली श्रेणियां बालाघाट, इसके अलावा अरावली श्रेणियां, इसके अलावा अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, ये मध्य प्रदेश के ही शहर हैं, बालाघाट, रीवा, है ना, ये रीवा आपका यहां पर भी पाई जाती है, ये रीवा यहां पर, ठीक है, बालाघाट, रीवा, ये रीवा आपका, क्लियर। उसके अलावा मैंने बताया आपका छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, लद्दाख, जास्कर और कुमाऊ श्रेणी में धारवाड़ की चट्टाने देखने को मिलती हैं। इस हिस्से में भी आपकी ये देखने को मिलती है, लद्दाख, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये लद्दाख है आपका, ये लद्दाख, लद्दाख, जास्कर नीचे वाली, लद्दाख से नीचे जास्कर और फिर कुमाऊ उत्तराखंड वाला इलाका, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, कुमाऊ श्रेणी में धारवाड़ चट्टाने देखने को मिलती हैं। इतना याद रखना, के बाद क्लियर हुआ इतना, अरे हुआ क्लियर हूँ, देखो एक मिनट, अगर लिख लिया हो तो इसको एकदम रिकैप में सुन ले, मैं पूरा रिकैप कराने वाला हूँ इसका एकदम से। धारवाड़ की जो चट्टाने हैं इनसे खनिज की प्राप्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए कह सकते हैं कि अगर धारवाड़ की चट्टान खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा धारवाड़ जो कि कर्नाटक का एक जिला है, वहां पर सबसे पहले ये चट्टाने देखने को मिली धारवाड़ में, और जब धारवाड़ में सबसे पहले चट्टाने देखने को मिली इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, धारवाड़। हालांकि इसके अलावा देखो, ये शिमोगा और बेलारी, ये भी दो कर्नाटक के ही शहर है, शिमोगा और बेलारी, वहां भी ये देखने को मिली धारवाड़ क्रम की चट्टाने। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य अरावली श्रेणियां जो कि काफी फैली हुई है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में कुछ भाग है, बिहार तक फैली हुई है, उसके अलावा ये बालाघाट, रीवा, मध्य प्रदेश, क्लियर, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, और इसके अलावा लद्दाख जो कि ऊपर है जम्मू कश्मीर में आप देख रहे होंगे, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और कुमाऊ जो कि ये उत्तराखंड वाला इलाका है, यहाँ पर धारवाड़ की चट्टाने देखने को मिलती है। अब जैसा कि हम इनसे बात करें कि ये मान के चलो अब यहाँ से कौन सा खनिज, देखिए धारवाड़ की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ध्यान रखिए धारवाड़ की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब जीवाश्म का अभाव मतलब जीवों के अवशेष नहीं पाए जाएंगे तो इसमें इन चट्टानों से कैसी खनिज की प्राप्ति होगी, इन चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होगी, क्लियर भाई, सीधी सी बात है, कैसी कैसी खनिज की प्राप्ति होगी,
सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा, मैग्नीज, टंगस्टन, इस तरीके के खनिजों की प्राप्ति होती है। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं इसका आंसर लिखाता हूँ आपको। पहले एक क्वेश्चन लिखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टाने धारवाड़ क्रम की चट्टानों में चट्टानों से किस खनिज की प्राप्ति होती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से किस खनिज की प्राप्ति होती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से किस खनिज की प्राप्ति होती है? लिख लिया। देखिए इसमें लिखिए क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि इन चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि इन चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि इन चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, इसलिए धारवाड़ चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। इसलिए धारवाड़ चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। इसलिए धारवाड़ चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। लिख लिया सभी ने? क्लियर हुआ इतना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, धारवाड़ चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? लिखिए, धारवाड़ चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? धारवाड़ चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? धारवाड़ चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? ये जितनी भी चट्टाने हैं आर्कियन क्रम की, हो धारवाड़, कोडप्पा, विंध्य, गोंडवाना लैंड और बेसाल्ट, इनमें क्वेश्चन लिखा है कि धारवाड़ चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों। एक तो प्रश्न यहीं से आंसर, इसी प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? धारवाड़। दूसरा अब ये पूछा गया है क्यों, लिखिए। इसमें लिखना है क्योंकि देश की प्रमुख धातुएं जैसे, क्योंकि देश की प्रमुख धातुएं जैसे क्योंकि देश की प्रमुख धातुएं जैसे क्योंकि देश की प्रमुख धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, कोमा लगा लगा के लिखते रहिए, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम आदि धातुओं की धारवाड़ चट्टानों से प्राप्ति होती है। आदि धातुओं की धारवाड़ चट्टानों से प्राप्ति होती है। लिख लिया सभी ने? जैसा कि अभी मैंने बताया भी है
कि इनके क्षेत्र जो थे वो ये हैं धारवाड़ के जो हैं। तो इसमें नोट करके इस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन कई बार कांस्टेबल रैंक और सब इंस्पेक्टर रैंक की परीक्षा में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, नोट करके लिखिए। कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान, कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान, कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान, हट्टी कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं हट्टी, कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान, सोने की खुदाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सोने की खुदाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान। ध्यान दीजिए, कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान सोने की खुदाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यहां से भी दो से तीन क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे एग्जाम में, तीन कम से कम। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यहां से अगर हम ठीक तरीके से देखते हैं तो यहां से प्रश्नों की संख्या ठीक है। जैसे कि हट्टी और कोलार की क्या, हट्टी और कोलार क्या है, ये खान है, हट्टी और कोलार की क्या है, ये खान है, कहां पर है, दूसरा प्रश्न बनेगा तो कर्नाटक में है, और तीसरा ये बनेगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से क्वेश्चन यहां से कई बार एग्जाम में पुटअप होगा। और चौथा क्वेश्चन कौन सा बनेगा यहां से अगर हम देखें तो चौथा एक और बनेगा, जिस स्टूडेंट को ये चीज दिमाग मैप में क्लियर है कि कर्नाटक में मुख्यतः ये खनिज पाए जाते हैं, तो कोलार और हट्टी की, ये जो हट्टी और कोलार की खाने हैं कहां पर हैं, कर्नाटक में है, एक क्वेश्चन। दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन, ये जो धातु है हमें प्राप्त, सोना क्या है, धातु, धात्विक खनिज माया, तो किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त हुआ होगा, हट्टी और कोलार की खान में कौन सी चट्टाने पाई जाती है। मान के चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उन्होंने अगर एग्जाम में पूछ लिया, भाई हम इस बात को जानते हैं कि हट्टी और कोलार की जो खान है वो कर्नाटक में है और किसके लिए जानी जाती है, विश्व प्रसिद्ध है, सोने के लिए। क्लियर, जब सोना क्या है, सोना एक धातु है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कि हट्टी और कोलार की खान जहां से सोने की प्राप्ति होती है, सोने की खुदाई होती है, जो विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, वहां पर किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। तो बस इतना याद रखना है, चूंकि वो धात्विक धातु खनिज है सोना, तो चट्टाने कौन सी पाई जाएंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। क्लियर हुआ इतना, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए आगे, नोट करके लिखिए, राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है, राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है जो चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है जो चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां से भी प्रश्नों की संख्या लगभग ऐसी ही बनेगी जैसी पिछली बन रही थी आपकी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्नों की संख्या इस तरीके से ही बनेगी। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जावर की खान कहां पर है, जावर की खान राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो जावर की खान है ये आपकी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि आप जानते भी होंगे राजस्थान में चांदी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर ये क्लियर है कि भाई चांदी क्या है, धातु है, तो हम ये स्पष्ट जहां तक हम एवरेज लगा सकते हैं, चूंकि ये जो जावर की खान है या अरावली श्रेणियों के अंतर्गत आती है, और अभी हमने पढ़ा भी है, और अरावली श्रेणियां जो कि जितनी भी दूर तक फैली हुई है, इसके अंतर्गत जो भी चट्टाने आती है वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि जो जावर की खान है
जो राजस्थान में है और चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यह किस चट्टान से प्राप्त होती है? यहाँ किस चित्रकार की चट्टाने प्राप्त पाई जाती हैं जावर की खान के अंतर्गत? तो सीधा से याद रखना, धारवाड़ क्रम की चट्टाने वहां पर पाई जाती है। क्लियर, नोट कर एक क्वेश्चन और लिखिए। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी, इतना याद रखना है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी। जब भारत में पहली बार आपका ज्वालामुखी फटा था उस समय कौन सा युग था, प्रश्न ये है। तो भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी, इतना याद रखना। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी, तो प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, धारवाड़ युग में हुई थी। क्लियर, उसके साथ साथ अगर धारवाड़ युग में हुई है तो फिर किस स्थान पर हुई है, अगर मान के चलिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो लिख लेना है, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर हुई। ध्यान रखना है, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर हुई, इतना याद रखना, बिहार की डालमा पहाड़ियों। पॉइंट्स को याद रखें, यहां से दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस काल में हुई, किस युग में हुई, धारवाड़ युग। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया जो कि धारवाड़ युग में हुई थी किस स्थान पर हुई थी, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, इतना याद रखना। क्लियर हुआ भाई?